कम्स टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसे स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर यू ऑल फाउंड इट इंटरेस्टिंग टू लुक फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर पीपल अराउंड यू। मैं पक्का मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो इंटरेस्ट जो वर्ड जो लगा होगा अपने आसपास के व्यक्ति को या अपने आसपास के उसे समझा होगा। ठीक है दोस्तों, यू हैव रीड द यूनिट द फन दे हैड, जैसा कि आपने द फन दे हैड को पढ़ा लास्ट मंथ में। यू गोट टू नो अबाउट टॉमी एंड मार्गी, और आप को जानने के लिए जो है ना अब टॉमी और मार्गी के बारे में पता चला। इन दिस वर्कशीट इन द टास्क एज यू विल फाइंड जंबल ऑफ कैरेक्टर, आप जंबल ऑफ कैरेक्टर पाएंगे इसमें, मतलब मिक्स्ड कैरेक्टर पाएंगे। स्केचेज ऑफ द बोथ द कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर का आप मिक्स पाएंगे। यू हैव टू अनजंबल देम, उसे आपको क्या करना है, अरेंज करना है प्रॉपर वे में। ठीक है दोस्तों, इन ग्रामेटिकली करेक्ट एंड पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, और उसे करेक्ट ऑर्डर में सही तरीके से उसे अरेंज करना है। इन टेक टास्क बी यू हैव टू डिस्क्राइब योर फेवरेट कैरेक्टर, और टास्क बी में आपके जो एक फेवरेट कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो आइए दोस्तों हम डिस्क्राइब करते हैं। टास्क वन क्या है। ए, टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड बॉय, मार्गी इज क्यूरियस बॉय नेचर, ही इज ए स्मार्ट एंड फ्रेंडली, सी शेयर्स हर फीलिंग इन द हर डायरी, ही इज ए क्यूरियस बॉय इन द फाउंड हीज ग्रैंड फादर्स बुक, सी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट बट लिंक्ड लाइक्ड रीडिंग अबाउट पास्ट, ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेल बुक, सी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग, सी वॉन्टेड टू गो टू रीड ए स्कूल एंड इमेजिन ए लाइफ विथ फ्रेंड्स। तो ये जो टास्क ए है दोस्तों, इसको जो है ना ये जम्बल कैरेक्टर में दे दिया, मतलब मिक्स्ड कैरेक्टर में दे दिया है, जम्बल्ड है ये। इसको आपको क्या करना है, अनजम्बल्ड करना है, मतलब मार्गी का कैरेक्टर अलग और टॉमी का कैरेक्टर अलग। तो यहाँ टॉमी का कैरेक्टर है और यहाँ मार्गी का कैरेक्टर है, तो इसमें आपको दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट लिखना है। अब हम इसका मैंने कैरेक्टर लिख रखा है, आप इसे देखिए बेहतर तरीके से। देखिए दोस्तों, पहले मैंने टॉमी का लिख दिया है, आप यहाँ टॉमी का ये जो स्पेस है ये टॉमी वाले स्पेस में यहाँ पे आप टॉमी का लिखेंगे। तो पहले मैं टॉमी का आपको दिखा रहा हूँ। टॉमी क्या है, टॉमी इज ए 13 ईयर्स ओल्ड बॉय, ही इज स्मार्ट एंड फ्रेंडली, वो कैसा है, स्मार्ट और फ्रेंडली है। ही इज ए क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हीज ग्रैंड फादर्स बुक, और वो एक क्यूरियस बॉय है, और ही लाइक्स टू गैदर्स नॉलेज लुकिंग एट टेल बुक, और वो टेल बुक में नॉलेज को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है ताकि उससे नॉलेज को अक्वायर करें। नेक्स्ट वन इज मार्गी कैरेक्टर। दोस्तों अब मार्गी का कैरेक्टर आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे स्पेस मार्गी का कैरेक्टर बनाना है और फिर आपको यहाँ लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए मार्गी का कैरेक्टर अब देखते हैं। टॉमी का तो हमने देख लिया, मार्गी, मार्गी इज क्यूरियस बाई नेचर, सी शेयर्स हर फीलिंग इन हर डायरी, मार्गी अपनी फीलिंग को अपनी डायरी में मेंशन करती है, लिखती है। सी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट, वो पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, बट लाइक रीडिंग अबाउट पास्ट, लेकिन वो पास्ट के बारे में पढ़ना चाहती है, पढ़ती है। सी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग, उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो एज ए मशीन की तरह थे, जो मतलब आया बोला चला गया और वो कैसा बोरिंग था। ठीक है, सी वॉन्टेड टू गो टू रियल स्कूल, वो चाहती थी एक सही वाले रियल स्कूल, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं उसी तरह वो भी जानना चाहती थी रियल स्कूल। एंड इमेजिन ए लाइफ विथ फ्रेंड्स, और ऐसा इमेजिन कर रही है जो एक फ्रेंड्स के साथ कैसी कितना अच्छा लाइफ होगा इसके बारे में। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ दोस्तों मार्गी। नाउ
अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड बी पार्ट देखते हैं। इन द स्पेस गिवेन बिलो, इन द स्पेस गिवेन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एनी स्टोरी और नॉवेल। आपको जो ये जो नीचे जो स्पेस दिया गया है, इसमें आपको फेवरेट कैरेक्टर का, चाहे नॉवेल से हो चाहे किसी स्टोरी का हो, अपने जो पढ़ रखा हो, यू मे हैव रीड इट, जो आपने पढ़ रखा हो, इट कैन बी ए स्टोरी यू रीड इन हिंदी, अगर आप हिंदी में भी पढ़ा हो, किसी भी तरीके से। आपने अभी क्लास 9th के स्टूडेंट है तो आपने 7th, 8th, 6th, 5th वगैरह में किसी एक कैरेक्टर के बारे में जो आपका फेवरेट हो, जिसके बारे में आप जानते हो, उसे आप लिखो। यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन इंग्लिश, और उसको आप हिंदी में पढ़े हो फिर भी आपको क्या करना है, इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ द कैरेक्टर एज वेल एज, यदि आप चाहते तो उस कैरेक्टर का जो स्केच भी आप ड्रॉ कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए, मैंने मेरा एक फेवरेट जो है ना दोस्तों, एक फेवरेट कैरेक्टर है जो 7th क्लास का जो है ना, मैंने इंग्लिश बुक का जो हनीकॉम्ब है उसमें एक चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव, उसमें एक कैरेक्टर है निषाद, वो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, तो मैंने उसके बारे में लिखा। आपको जो पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं, और अगर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। निषाद के बारे में भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए, निषाद इज 7 ईयर्स ओल्ड बॉय। निषाद कितने साल का? 7 साल का। हु हैज ए एल्डर सिस्टर एज 11 ईयर। निषाद तो खुद 7 का है, उसके पास एक एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन है, जो 11 ईयर्स ओल्ड की है, 11 साल की है। निषाद इज ए वेरी क्यूरियस बॉय, वो काफी क्यूरियस बॉय है। ही वॉज इन डाउट अबाउट मिस्टर नाथ, वो हमेशा डाउट में रहता था मिस्टर नाथ के। हु यूज टू लिव ए शंकर हाउस, जो हमेशा शंकर के घर में रहता था। एंड इन इज हिज मदर पेशेंट, और उसके माँ। निषाद वॉज ए लिटिल बॉय विथ हार्ट, निषाद एक छोटा सा लड़का था, बहुत प्यारा सा लड़का था, वो एक लवेबल लड़का था, हमेशा किसी को शहर से हंस के बहुत बढ़िया से बातें करता था, वो एक लवेबल था, खूबसूरत था। एंड ही थॉट डैट द मिस्टर नाथ इज पुअर, और सोचता था मिस्टर नाथ जो है ना वो गरीब है, एंड लोनली गाय है, वो अकेला ही रहता है, एंड डज नॉट हैव मनी फॉर फूड, और उसके पास खाने के लिए कोई पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा आपका कैरेक्टर, और इसे आप बेहतर तरीके से लिखे, और अगर आपको जब आप लिख रहे होते तो वीडियो को सुना भी कीजिए, और आई होप आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, क्योंकि आप एक नए स्टूडेंट हैं और अभी 9th क्लास में, और आपको 10th बोर्ड के लिए प्रिपेयर होना है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।